दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे अपना बूट एनिमेशन चेंज करोगे, क्योंकि कुछ लोगों को बूट एनिमेशन कैसे चेंज करते हैं वो ही नहीं पता। कल मुझे टेलीग्राम पे कुछ लोग एक बंदा कमेंट करे कि मैंने मैजिक्स मॉड्यूल से मैंने वो जिप को फ्लैश किया, रिकवरी से फ्लैश किया, फिर भी मेरा बूट एनिमेशन चेंज नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। तो देखो, बूट एनिमेशन वैसे नहीं चेंज हो रहा, उसका प्रोसेस कुछ अलग ही है। तो मैं सोच रहा था कि मैं पहले अपना खुद का बूट एनिमेशन कैसे बना था वो उसका वीडियो लाऊंगा, लेकिन कुछ बंदों को तो बूट एनिमेशन चेंज करना उसके बारे में पता ही नहीं है, तो सोचा यही पहले ला दूँ। तो वो वाला वीडियो तो तैयार है, वो मैं इस वीडियो के बाद छोड़ूंगा। तो बूट एनिमेशन कैसे चेंज करते हैं, उसका क्या नुकसान होता है, क्या कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू वगैरह, वो सब आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको कैसे बनाना है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर बूट एनिमेशन कोई इशू आता है उसे कैसे फिक्स करते हैं वो भी, उसका भी अलग से एक वीडियो होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे चेंज करते हैं। और एक बात है जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था ना, कैसे अपना खुद का स्प्लैश स्किन बनाना है और कैसे लगाते हैं, तो उस वीडियो में मैंने बता दिया था कैसे फ्लैश स्किन को पहले जैसा करते हैं। तो कुछ बंदे तो है फुल वीडियो नहीं वॉच नहीं करते, फिर बेकार में कमेंट वगैरह करना शुरू करते हैं, अभी स्टॉक में कैसे जाऊँ, स्टॉक में कैसे जाना है, वो सब कमेंट करते हैं, फुल वीडियो देखे भी नहीं। तो इस वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा। तो देखते रहो वीडियो को, पूरी वीडियो को वॉच करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपके साथ अगर कोई इशू वगैरह होता है आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो बूट एनिमेशन चेंज करने के लिए आपको इस ऐप की जरूरत पड़ेगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपको 3 डॉट पर जाकर रूट बड़े फोल्डर में जाना है, मतलब रूट बड़े फाइल में जाना है। उसके बाद आपको सिस्टम पर जाना है, सिस्टम पर जाने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपको जाना है मीडिया पे। देख लो, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल दिखा दूंगा बाद में। मीडिया पे जाना है, देखो यहाँ पर जो बूट एनिमेशन दिखा है ये आपका स्टॉक बूट एनिमेशन है, इसको आपको प्रेस करके रखे कि कहीं भी कॉपी करके रख दो, क्योंकि आपको बाद में जरूरत पड़ सकता है। तो इस तरफ स्लाइड करना राइट के सर तरफ, मतलब आप जो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे तो कॉपी करो। मैं अभी किसी एक फोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से पेस्ट इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अभी क्या करना है, आपको जो बूट एनिमेशन आपको लगाना है, मतलब जो आप यूज़ करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ बूट एनिमेशन का लिंक दे दूंगा, आप वो सब ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आरूजी का करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको सिंपली आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको फिर से राइट साइड लेफ्ट साइड स्लाइड करो तो आपका वो ही फोल्डर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं आता आपको फिर से रूट वाले फोल्डर में जाके करना होगा। तो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। रूट वाले फोल्डर में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे सिस्टम मिलेगा आपको, सिस्टम वाले फोल्डर मिलेगा, सिस्टम वाले फोल्डर में जाओ। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, देखो प्रोडक्ट पे मिलने के बाद आपको जाना है मीडिया पे। देखो मीडिया पे मिल गया, आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको एक और काम करना है, आपको स्टॉक वाला है उसे डिलीट कर दो, वही अच्छा है, स्टॉक वाले को डिलीट कर देना, परमानेंट डिलीट होना चाहिए। उसके बाद आपको इस जिप को रीनेम करना है, अगर कुछ लिखा है जिप में एक्स्ट्रा कुछ लिखा है तो उसको आपको हटा देना है। जैसे यहाँ पर डैश आरओजी लिखा है तो डैश आरओजी को मैं क्लियर कर दूंगा, तो क्या आएगा बूट एनिमेशन डॉट जिप, इसको आपको सेव कर देना है। तो होने के बाद आपको सिंपली एक बार रिफ्रेश कर देना है, उसके बाद आपको फिर से प्रेस करके रखना है। 3 डॉट पर जाने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है, उसके बाद आपको राइट की तरफ जाना है, राइट साइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है जैसे है वैसे ही रखो, अप्लाई कर दो, अप्लाई करो, आपका बूट एनिमेशन सेट हो चुका है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मतलब बूट करके दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने इस पहली वाली वीडियो में बताया था स्प्लैश स्किन कैसे बनाते हैं और उससे कैसे स्टॉक स्प्लैश स्किन में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फुल वीडियो नहीं देख रहे। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा इससे कैसे स्टॉक बूट एनिमेशन, मतलब बूट लोगों पे जाना है स्टॉक वाले में, आपका जो रेडमी वाला होता है वो इस वीडियो में ही बता दूंगा। तो देखते हैं कितने टाइम लेता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बूट लू वगैरह कुछ हो गया है, तो ये सब नहीं है, कस्टम चीज़ें यूज़ करने से उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। देख सकते हो हमारा आरओजी का बूट एनिमेशन आ चुका है हमारे कॉर्वेस 5.5 में। तो इस तरह से आप किसी भी डिवाइस का बूट एनिमेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। तो बूट एनिमेशन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, वो रिकवरी से भी होता है और इस तरह की ऐप रूटेड ऐप की ऐप से भी होता है। तो मैं अभी आपको वो स्प्लैश स्किन कैसे हटाना है, मतलब स्टॉक वाले में ले जाना है, वो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं पहले इसको रिकवरी में बूट कर लेता हूँ। तो देखो एक और बात,
बूट एनिमेशन यूज़ करने के लिए आपका डिवाइस पे रूट होना ज़रूरी है, रूट के बिना बूट एनिमेशन चेंज नहीं कर सकता। एक बार चेंज करने की कोशिश भी किया आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैं अभी इसको ये वाला जो बूट लोगो है इसको चेंज करके दिखाऊंगा आपको, आपके सामने ही दिखाऊंगा चेंज करके। कुछ लोग कहते हैं फ्लैश में बूट लूप होता है क्या कुछ होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। तो ये ऊपर जो देख लो फ्लैश स्पीक्स वो नोट 7 प्रो के लिए है, तो वो मैं अभी फ्लैश करके दिखाता हूँ आपको सिंपली आपको, क्योंकि देखो कोई भी टिक मार्क वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपली फ्लैश कर दो। फ्लैश होने के बाद सीधा आपको कैच वैप कर देना है, सिंपली रिबूट सिस्टम कर दो। जब ओके आएगा सिंपली रिबूट सिस्टम कर दो। तो देख सकते हो हमारा स्टॉक वाला फ्लैश स्किन आ चुका है। तो पहले वाले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ इसको। अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो आप देख सकते हो जाके। और अभी मैंने एक और बूट एनिमेशन लगाया है जो है पबजी का है, अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह का है पबजी का। तो वो अभी जब मैंने पबजी का बूट एनिमेशन लगाया वो छोटे डिवाइसों का है, मतलब रेडमी 4 रेडमी 5 इस तरह का छोटे साइज़ का जो डिवाइस होता है उसका है, इसलिए इसका जो एनिमेशन लोगो साइज़ होगा वो थोड़ा छोटा होगा। लेकिन आप इसको बड़ा करके बना भी सकते हो, तो मैं तो बाद में दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं वो सब। तो देख सकते हो इसका, ये देखो पबजी का बूट एनिमेशन, तो छोटे डिवाइसों का है ना इस तरह छोटा दिख रहा है। तो इसके बाद इसको अपने आप ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद मैं फिर से आपको एक और करके दिखाता हूँ, आपको डाउट क्लियर हो जाए। आपको डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक और करके दिखाता हूँ। फिर से आपको इसी ऐप पे जाना है यहाँ से कोई सा भी, मैं यूनिकॉर्न नहीं ब्लैक शार्क वाला ट्राई करता हूँ, ठीक है ब्लैक शार्क वाला ट्राई करता हूँ। यूनिकॉर्न छोड़ो, वो तो कॉर्बेट जैसा ही समझ लो कुछ। मैं ब्लैक शार्क वाला ट्राई करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ही फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर से जो स्टॉक वाला है उसको डिलीट कर देता हूँ और इसको फिर से रीनेम कर लो, मतलब जो डैश ब्लैक शक लिखा है वो सब डिलीट कर दो। मैं सभी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ट्राई कर सकते हो। और वीडियो की एंड में बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या इशू आ सकते हैं, क्या चाहिए वगैरह वो सब बताऊंगा। तो क्लिक करके रखो, टी डॉट पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, राइट साइड जाओ, अप्लाई कर दो, बस इतना सही है। आपका नेशन सेट हो चुका है, कोई मॉड्यूल वगैरह रिकवरी से मॉड्यूल से करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लैश वगैरह नहीं करना पड़ता इस लोग इस टाइप को। कुछ लोग फ्लैश वगैरह करते हैं कहते हैं एरर आ चुका है। तो अभी मैं बूट करके दिखाता हूँ आपको। तो भाई लोग मैं ट्राइपॉड लेके कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइपॉड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्राइपॉड के बिना देख रहे हो कि वीडियो कितना हिलता है, स्टेबल नहीं है। और वीडियो को थोड़ा मैं क्वालिटी अच्छा करना चाहता हूँ वीडियो का, इसलिए थोड़ा लेट होता है मेरा। और अकेला सब कुछ अकेला करता हूँ ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से सब करो वो सब करो। तो अभी देखते हैं ये जो मैंने क्या अभी क्या लगाया, मैंने ब्लैक शार्क का एनिमेशन कैसा होता है देख लो आप भी। तो कस्टम बूट एनिमेशन वगैरह लगाने से क्या होता है कि वो टाइम ज़्यादा लेता है बूट होने में, उतना सही है। तो देख सो ब्लैक शार्क का आपको कुछ इस तरह का बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो ये भी छोटे साइज़ का है, इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो सकता था। छोड़ो ये सब, आपको सिर्फ चेंज करना सिखाना था मुझे, कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या इशू आता है वो सब बताना था। तो देख सकते हो मेरा डिवाइस सक्सेस ऑन हो चुका है, इसमें कोई इशू वगैरह कुछ भी नहीं आया, मेरा कोई लूप वगैरह कुछ नहीं आया है। तो लूप बूट लूप वगैरह क्यों आता है, कैसे आता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी चलो वो सब टॉपिक पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बूट एनिमेशन चेंज करने के लिए आपका डिवाइस में रूट होना ज़रूरी है, रूट के बिना बूट एनिमेशन चेंज नहीं कर सकते। तो पहला ये सबसे पहला रिकमेंड है। उसके बाद प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स ऐसा बड़ा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है, आप अगर कोई बूट एनिमेशन चेंज करते हो जो आपके डिवाइस के लिए नहीं है, अच्छा आपके डिवाइस रिकमेंडेबल नहीं है, आपके डिवाइस में चलता नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है आपका डिवाइस बूट मतलब बूट लोगों पे ही कुछ देर रुक के अपने आप डिवाइस स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोई एनिमेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिखाता। तो और नेक्स्ट जो बूट एनिमेशन का एक प्रॉब्लम है, अगर आपका बूट एनिमेशन ठीक से नहीं, आपका खुद का बूट एनिमेशन अगर बनाते हो, अगर आपने वहाँ पे TXT मतलब TXT एक फाइल होता है वो अगर ठीक से बना हुआ नहीं होता, तो क्या होता है कि आपका आपके डिवाइस वो बूट एनिमेशन पे लूप हो जाता है, मतलब बूट एनिमेशन पे ही होता है, डिवाइस स्टार्ट नहीं होता। इससे मैं आपको डाटा फॉर्मेट कर लो या कुछ भी कर लो, आपका डिवाइस स्टार्ट नहीं होगा। तो उससे कैसे फिक्स करना है उसका भी वीडियो में ला दूंगा एक, उसे कैसे फिक्स करना है, आपका जो बूट एनिमेशन लूप होता है उसे कैसे फिक्स करना है उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो
आपको ये सब इसलिए बात है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम वगैरह हो आप खुद ठीक कर सकते हो, तो एडवांस पे मैं पहले ही वीडियो बनाना चाहता हूँ ये सब के लिए, क्योंकि ये सब आना कॉमन बात है ये सब चेंज वगैरह करने में। तो ये सब आपके ऊपर, आप चेंज करोगे या नहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम ही आता है कि बूट एनिमेशन पर लूप हो जाता है, वो आपकी खुद की गलती की वजह से हो सकता है अगर आपने ठीक से नहीं बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा। तो TXT फाइल कैसे बनाते हैं वो भी मैं अलग से बना के सिखा दूंगा। तो पहले मैं आपको खुद TXT फाइल बना के दूंगा जो उसमें कोई बूट लूप वगैरह कोई इशू वगैरह नहीं होगा। बाद में आपके लिए आपको भी सिखा दूंगा उसे कैसे बनाना है, कौन सा कमांड किस लिए होता है, कौन सा टेक्स्ट क्यू होता है, वो सब डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका खुद का बूट TXT फाइल खुद बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।